हेलो एवरीवन राधे राधे आप सभी को तो देखिए फिर से प्यारा प्यारा ब्लॉग आ गया है और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखें आखिरी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपे और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं वो यहीं भुसावल से गुजरने वाले हैं मतलब बॉम्बे जा रहे हैं तो मतलब बचपन के दोस्त हैं थोड़ा सा एक अटैचमेंट जो है अलग ही होता है तो ये उनसे जा रहे थे मिलने तो मैंने कहा खाली हाथ मत जाओ कुछ थोड़ा सा नाश्ता बना करके दे देती हूँ तो वही ले कर के मुझे लगा कि आप पे हमारे यूपी में ना आप वगैरह ज्यादा कोई जानता नहीं है आपको सही बताऊँ अब फिर भी जानने लगे हैं लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं जानते थे तो बस मैंने सोचा चलो यही कुछ नई डिश बना करके दे दी जाए बाकी तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ और आज ना हम लोगों को जाना है शाम को पार्टी में तो बस सभी बज रहे हैं वही पौने तीन और इनको ना सवा तीन पे तीन बीस पे निकलेंगे तब तक मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ तो आप में देखे देखा ही आपने ये सूजी के आपे हैं जिसमें मैं थोड़ा सा सोडा डाल दिया है थोड़ा सा दही डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर नमक और तड़का दे दिया राई और उसका करी पत्ते का तो बस इसको मतलब तड़का देने के बाद पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है उसके बाद इस तरह पे स्टैंड में डाल के उसके बाद देखिए हमारे अपे जो है फटा फटाफट से बन गए तो पहली थाली जो बनी है तो बच्चे आए स्कूल से तुरंत बच्चों ने ही गपच ली तो मैंने कहा जाने दो तो अभी टाइम है पहले बच्चों को दे दो तो बच्चे खा लेंगे उसके बाद ही मैं उनका बॉक्स जो है लंच बॉक्स पैक कर दूँगी तो बच्चे अपना उधर खा रहे हैं और इधर देखिए मैं बना रही हूँ आप पे बनाने के बाद फिर इस बॉक्स में जो है ना पै पैक कर दूँगी तो सोन पापड़ी वगैरह के जो डिब्बे आते हैं ना रसमलाई का डिब्बा था मेरे पास तो इस तरह के जो भी डिब्बे आते हैं ना मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ रख लेती हूँ कहते हैं ना कि कभी कभी ना कबाड़ भी बड़ा काम आता है अगर ना हो तो बड़ी मुसीबत आ जाती है तो बस यही मेरी चलती है कबाड़ से जुगाड़ तो यहाँ पर देखिए और सारे धुल धुला के अच्छे से ऊपर रख देती हूँ ताकि कहीं भी सफ़र वगैरह में जाएँ तो मतलब यूज़ में आ जाते तो देखिए पार्टी का नज़ारा और दिन का ये व्यू है तीन बजे चार बजे का तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको सूट करके दिखा दूँ तो अभी यहाँ पर ना तैयारियाँ चल रही हैं उस साइड में खाना वाना बन रहा है और हमारे घर के पास में मतलब हमारे मोहल्ले में ही नन्नी सी छोटी सी प्यारी सी बेटी हुई है जो कि अभी लगभग शायद एक महीने की हो गई है तो उसी के उपलक्ष्य में जो है पार्टी दी गई है तो देख सकते हैं जो बच्ची है उसके लिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी डेकोरेशन की गई इस तरह से चांद बना करके उसमें झूला लगाया गया तो इस तरह की डेकोरेशन ना छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो देखिए यहाँ पर जो है और सभी लोग हो रहे हैं तैयार और भी बज रहे हैं साढ़े तो बस यहाँ पर बच्चे सारे तैयार हो चुके हैं मैंने बच्चों को एकदम रेडी कर दिया है मैं खुद अब तैयार हो जा रही हूँ और आरो ना मेरी हेल्प कर रही है तो कहते ना न माँ का साया बेटियाँ ही होती हैं और बेटियाँ बहुत मदद करती हैं तो बस इसी तरह से कुछ है मेरी बेटियाँ भी मेरी ना बहुत ज़्यादा मदद करती हैं थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली मचानी पड़ती है लेकिन हाँ जब कह दो तो हाजिर हैं और बस यही है तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ जूड़ा तो इस तरह से मुझे कुछ भी ना हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था और दूसरी बात मेरे बाल जो है बहुत पतले हैं तो कुछ भी जैसे खुले भी रखो ना तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं तो मैंने सोचा इस तरह डोनेट डाल के जूड़ा बना लेती हूँ और साड़ी पर ना जूड़ा बहुत सुंदर लगता है तो बस मैंने यही सोच के बना लिया इस तरह से तो ये जूड़ा ना मैं इस तरह से बना लेती हूँ मतलब इसमें भी मैं दो तीन तरह के बना लेती हूँ कोई टेंशन नहीं और बाकी वैसे जूड़े तो बहुत सारे आते हैं लेकिन क्या है ना अपने ऊपर कुछ कुछ भी ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि अपने आप खुद से ज़्यादा बनता नहीं है तो बस कुछ ऐसे सेलेक्टेड हैं जो कि मैं बना ही लेती हूँ और देख रहे हैं आप कि सामने किस तरह से मतलब एकदम धूम धड़ाका मचा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे मोहल्ले में तो बस ब्लॉग में बने रहे पूरा देखें तो चलेंगे अभी आपके साथ पार्टी में मिलते हैं ठीक है ना और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब भी करिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो यहाँ पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही थी मुझे याद नहीं रहा हाँ मैं मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी आ, मतलब मिल नहीं रही थी थोड़ी देर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई लेकिन हाँ मिल गई फाइनली तो बस यही है और बस थोड़ा इयर वगैरह पहन लेती हूँ और ये साड़ी का, आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा तो इसका मैंने शॉर्ट्स बना करके डाला था तो आप सबको बहुत अच्छी लगी थी और दूसरा ये ना मैंने मीशो से मंगाई है तो देख सकते कपड़ा भी बहुत अच्छा है और दूसरा कलर भी बहुत प्यारा लग रहा तो ये कह रहे हैं कि फ़ोटो में तो और ज़्यादा निखर के आ रहा है तो वैसे तो मेरे पास ना ये कलर था ही नहीं बिल्कुल एक भी साड़ी नहीं थी तो बस मैंने ये सोच के मंगाई कि ये कलर है नहीं तो चलो यही मंगा लेते काम आएगी तो फाइनली अब की बार ना मेरी मतलब जो हम लोग जा रहे हैं शादी में शादी क्या मतलब जा रहे हैं तो उसमें क्या है इस आ, अब की बार मैंने ना मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा सब मेरी ऑनलाइन शॉपिंग हुई है तो देखिए पहुंच चुके हैं शादी शादी सॉरी बच्ची का जो सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग कि बेटी हुई है तो बस यही हमारे आ, भारत में सोच होनी चाहिए कि बेटी के होने पे अधिक से अधिक खुशियां मनानी चाहिए मतलब होता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मतलब इस तरह की सोच रहेगी तभी हम अपने भारत को और आगे बढ़ा पाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो रहा है केक कटिंग और जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं सबको फटाफट से बुला लिया गया है और सारे बच्चे मिलजुल कर केक कटिंग करवा रहे हैं तो और हमारी सभी सखियाँ हमारे मोहल्ले की हमारी जितनी भी पड़ोसन है सब हम मिल करके हंसी मजाक गप सड़ा सब चल रहा है तो बस अभी इसके बाद फिर चलेगा खाना पीना तो पार्टी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छा इंतजाम भी था काफ़ी जितने भी व्यंजन थे मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं भोजन बोला करो

तो मेरी ना आदत सी पड़ गई है खाना बोलने की तो आज मैंने सोचा जाने दो व्यंजन बोल देती हूँ तो यहाँ पे तरह तरह के व्यंजन थे और मंचूरियन वगैरह तो काफ़ी टेस्टी था और देखिए यहाँ पर सभी खूब इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मंचूरियन और चाउमीन तो लेडीज का तो कुछ ऐसी चीज़ें होती ना फेवरेट होती हैं मतलब जैसे कि गोलगप्पे हुए ये सब चीज़ें और इनसे मिलिए ये देखिए हमारी बिल्डिंग की नन्नी परी हैं तो आइसक्रीम के लिए मतलब कुल्फी के लिए चाटी जा रही चाटी जा रही उसको बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसको भी सूट कर लेते हैं बड़ी खुश है देखिए कितनी अच्छी लग रही और बच्चे छोटी बच्चियाँ ना इस तरह की फ्रॉक पहन के और ज़्यादा प्यारी लगती एकदम डॉल लगने लग जाती है तो बहुत ही सुंदर लग रही थी वो तो ब्लॉग में बने रहे ब्लॉग को पूरा जरूर देखें तो जब थोड़ी सी स्टेज ना खाली हुई तो मैंने सोचा ये सूट कर लूँ और आप सबको दिखा दूँ तो देखे सिवाय वहाँ पर खड़े हुए हैं जाके और सिवाय क्या कह रहे थे मम्मी मैं झूला झूल लूँ मैंने कहा नहीं बेटा छोटी बच्ची का झूला है फिर मैं आ गई थी घर और घर आते आते बच गए और साढ़े तक हम लोग आ गए थे पौने ग्यारह तक ऊपर तो बस बच्चों का दूसरे दिन था पेपर तो बच्चों का जल्दी जल्दी चेंज कराया उसके बाद बच्चे अपना सो गए क्योंकि ज़्यादा लेट करना ज़रूरी नहीं है आ, मतलब टाइम से ही बच्चे सो जाएँ तो अच्छा रहता सुबह फिर जल्दी उठ जाते तो देखिए मैं साड़ी को ना थोड़ा फोल्ड करके देख रही थी कि ऐसे पिन करने पर कैसी लगेगी मतलब बस ये मान के चले ख़ुद को नहीं हारे जा रही थी कि मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं आपको हो सकता मेरी बात में हंसी आ रही हो लेकिन ऐसा महिलाओं के साथ हो जाता आम बात है तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फिर मिलेंगे आपसे एक प्यारे से